Hello everyone. In this video of microprocessor and interfacing device, I am going to start with the first topic, that is what is microprocessor. So what is microprocessor? अभी देखो यहाँ पे दो words हैं, एक है micro और एक है processor. So what is micro mean? Micro means which is very very small. तो ये जो है microprocessor ये बहुत ही छोटा है, बहुत small है. और processor means it is a processor. इट इज लाइक अवर ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है डेटा इंफॉर्मेशन, उसी तरह से ये प्रोसेसर भी डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है. किसके लिए? डिसीजन लेने के लिए या कोई भी एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए. जैसे हमारा ब्रेन भी कोई अगर डिसीजन लेना है तो प्रीवियस डेटा प्रीवियस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है हमारा ब्रेन, और उसके बाद एक डिसीजन लेता है कि मुझे आज फिजिक्स पढ़ना है या मुझे आज केमिस्ट्री पढ़ना है. तो पहले प्रीवियस डेटा वो प्रोसेस करता है कि मेरा फिजिक्स का ज्यादा चैप्टर हुआ है या मेरा केमिस्ट्री का ज्यादा चैप्टर हुआ है, और बेस्ड ऑन दैट इट टेक्स अ डिसीजन कि मुझे आज फिजिक्स पढ़ना है. उसी तरह से बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा अवेलेबल डेटा माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड टेक डिसीजन और इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस. माइक्रो प्रोसेसर इज अ डिजिटल डिवाइस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? It is a digital device means it understands the language of zeros and one. उसे सिर्फ zero और one, ये जो दो binary numbers है वही समझ में आते हैं. उसे 1, 2, 3, 4 नहीं समझ में आता है, उसे A, B, C, D भी नहीं समझ में आता है. इसका हर एक signal ये zero या one से बना होता है, और इसका हर एक word जो है वो भी combination से बना होता है zero और one के. So every word of microprocessor consists of sequence of zeros and one. That means अगर A है तो microprocessor के लिए A भी क्या है? It is a combination of sequence of zero and one, which is a binary number. अगर इसमें आप four लेते हो, कोई भी एक number है numeric four, तो four is also a sequence of zeros and ones. क्योंकि microprocessor digital device है, उसे सिर्फ zero और one की ही language समझ में आती है. Logic 0 means 0 volt and logic 1 means 5 volt. So it considers 5 volt as logic 1 and it considers 0 volt as logic 0. That is binary numbers. Microprocessor is fabricated on a small chip. Kaise? Microprocessor consists of these thousands of electronic devices, not devices, components. जिसमें आप देख रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ये रजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, इंडक्टर्स है, डायोड्स है. ये जो बड़ा सा कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसको इंटीग्रेट करके जब एक कॉम्पैक्ट आईसी में डालते हैं तब उसको बोलते हैं दिस इज इंटीग्रेटेड सर्किट. तो माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो फैब्रिकेटेड फ्रॉम सच थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विच आर इंटीग्रेटेड इन टू अ स्मॉल चिप. A small chip known as integrated circuit, in short we call it as IC. Okay, so that is why it is micro, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है इस सर्किट के कंपैरिजन में. It is controlling unit of micro computer. जैसे micro computer क्या है? Micro computer ये आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा computer है जिसमें कि ये circuitry है, यहाँ monitor है और ये keyboard है. इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर. एंड इट इज अ कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. यानी क्या? क्योंकि ये जो है माइक्रो प्रोसेसर होता है इस माइक्रो कंप्यूटर का ब्रेन, तो वो सब डिसीजन लेता है, कंट्रोल करता है ऑपरेशंस के लिए. कैसे वो कंट्रोल करता है? कि आप एक लैपटॉप का एग्जांपल लो, हम ए टाइप करते हैं और वो ए डिस्प्ले होता है, तो ये जो एक्टिविटीज होती है कौन कंट्रोल करता है? तो प्रोसेसर कंट्रोल करता है. जैसे हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल करता है, आज मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये डिसीजन लेता है और हमारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है कि नहीं आज मुझे नहीं पढ़ना है, आज मुझे बाहर घूमने जाना है. तो ये क्या किया हमारे ब्रेन ने? हमें कंट्रोल किया. इसी तरह से ये माइक्रो प्रोसेसर भी इस माइक्रो कंप्यूटर के कीबोर्ड और जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है. माइक्रो प्रोसेसर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या हो गए? अर्थमेटिक ऑपरेशंस. और कौन से ऑपरेशंस होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस. लॉजिकल ऑपरेशंस मींस एंड, और, नॉट, एक्सऑर.
ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस है. तो ये माइक्रो प्रोसेसर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बोथ ऑपरेशंस. माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट. इसका मतलब क्या है, इट कम्युनिकेट्स विद अदर डिवाइसेस. अभी आप ये माइक्रो कंप्यूटर देखो या टेक एन एग्जांपल ऑफ लैपटॉप. लैपटॉप में क्या है, कीबोर्ड है, कीपैड है और मॉनिटर है. तो जैसे मैंने बोला, जब हम ए प्रेस करते हैं तो ए डिस्प्ले होता है मॉनिटर से, लेकिन वो डायरेक्टली कीबोर्ड से मॉनिटर में नहीं जाता है. पहले वो कीबोर्ड से जाएगा जब हम प्रेस करते हैं, तब प्रोसेसर में, और प्रोसेसर से फिर वो जाता है मॉनिटर में. तो प्रोसेसर हेल्प करता है इस कम्युनिकेशन के लिए. सो दिस इज हाउ इट कम्युनिकेट्स विद डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट. तो प्रोसेसर को हम क्या क्या डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन. सो वी कनेक्ट सो मेनी डिवाइसेस, पेन ड्राइव है. तो ये बहुत सारे डिवाइसेस हम लोग प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं, और ये जो डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, उसके लिए हेल्प करता है प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर. नो जेनरिक मॉडल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ ALU. ALU मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर आरे एंड कंट्रोल यूनिट. तो ये डायग्राम दिखाया गया है जेनरिक माइक्रो प्रोसेसर का. ये जनरल डायग्राम है, कोई एक स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं है. कोई भी एक माइक्रो प्रोसेसर लो तो ये सारे ब्लॉक्स उसमें रहेंगे. एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता है, इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. जैसे मैंने पहले बोला है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस. एंड लॉजिकल ऑपरेशंस मींस एंड, और, नॉट, एक्सऑर, दीज आर लॉजिकल ऑपरेशंस. तो ये सब ऑपरेशंस कौन करेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. और क्या होता है उसमें, रजिस्टर एरे होता है. रजिस्टर इज नथिंग बट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेमोरी. आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर्स में भी मेमोरी होती है, हमारे मोबाइल में भी हम लोग मेमोरी यूज करते हैं. तो हर एक प्रोसेसर में मेमोरी होता है, और मेमोरी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, कौन बनाता है मेमोरी, रजिस्टर बनाता है. एक रजिस्टर 8 बिट को स्टोर करता है एट ए टाइम. और वो जो रजिस्टर्स को है वो किसी भी तरह से हम नाम दे सकते हैं. जैसे इंटेल जनरली उसको नाम देता है बाय अल्फाबेटिकल लेटर्स लाइक ABCDHL एक्सेट्रा. तो ये क्या है, रजिस्टर एरे होता है. हर एक माइक्रो प्रोसेसर में ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, और वो इसलिए किस लिए यूज करते हैं हम लोग, डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है. टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए रजिस्टर्स यूज होते हैं. रजिस्टर क्या है, मेमोरी की तरह है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेमोरी. फिर माइक्रो प्रोसेसर में होता है कंट्रोल यूनिट, जो सारी एक्टिविटीज को, डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है. व्हाट इज रिटन, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर जो डेटा फ्लो होता है, जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, और जो सारी एक्टिविटीज वो कंट्रोल करता है, वो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करता है. और एक होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर. तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर हमें यूज करना होता है, तो वी नो दैट वी हैव टू राइट प्रोग्रामिंग फॉर दैट. कोडिंग हमें करना होता है, और माइक्रो प्रोसेसर का कोडिंग हम लोग करते हैं असेंबली लैंग्वेज में. वो एक इंग्लिश लाइक कोडिंग होता है, और जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं. तो प्रोग्राम, वो इंस्ट्रक्शंस का सिक्वेंस हम एक के बाद एक कहाँ स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं. और ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन का डिकोडर का काम है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना. डिकोड करना मतलब उसका मीनिंग फाइंड आउट करना. क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर क्या है, माइक्रोप्रोसेसर डिजिटल डिवाइस है. उसका लैंग्वेज किससे बना हुआ है, उसका लैंग्वेज बना है सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस. तो अगर मैं बोलती हूँ 1111 एंड 0000, तो ये 1111 और 0000 का मीनिंग क्या है, ये कौन फाइंड आउट करेगा, तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर फाइंड आउट करेगा कि इस सीक्वेंस का मीनिंग क्या है, कि क्या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या है उसका मीनिंग. कौन करता है ये काम करता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर. और अंदर होती है बसेस. नाउ ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम. आई हैव शोन यू, दिस इज अ वेरी स्मॉल माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम. ये जो छोटा सा सिस्टम होता है जिसमें कीबोर्ड होता है, एक सर्किट है और मॉनिटर है, इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम.
तो उसके मेन ब्लॉक क्या है? कोई भी माइक्रो प्रोसेसर, भला ही उसमें थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कनेक्ट किए हुए हो, हम लोग एज इट इज कभी भी उसे यूज नहीं कर सकते। जब तक हम माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट डिवाइस में कनेक्ट करेंगे, हम उसको नहीं यूज कर सकते। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? कीपैड है, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, ये सारे क्या हो गए? इनपुट डिवाइस जो प्रोसेसर को डेटा सेंड करते हैं। तो ये सारा हमें हमेशा कनेक्ट करना पड़ता है। और हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को क्या कनेक्ट करते हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में? आउटपुट डिवाइस हमें कनेक्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? 7 सेगमेंट डिस्प्लेस होते हैं, एलसीडी डिस्प्ले होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये क्या है? सारे आउटपुट डिवाइसेस है। और उसे और चाहिए होता है मेमोरी, क्योंकि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के पास सफिशियंट इंटरनल मेमोरी नहीं होता है। तो हम हमेशा माइक्रो प्रोसेसर को एक्सटर्नली मेमोरी कनेक्ट करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर है जिसको कि इनपुट डिवाइस जब हम कनेक्ट करते हैं, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं और मेमोरी कनेक्ट करते हैं, तब वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर के अंडर क्या है? हमने पहले ही स्लाइड में देखा, रजिस्टर एरे है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस एंड डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो बार बार माइक्रो प्रोसेसर में आता है कि एड्रेस क्या है और डेटा क्या है। तो ये एक एग्जांपल ले लो, लेमैन का एग्जांपल है। ये हमारा प्लेट वन है, सेकंड प्लेट है, थर्ड प्लेट है और फोर्थ प्लेट है। तो समझ लो कि ये प्लेट है वो रजिस्टर्स है और जो अंदर जो सैलेड रखा है वो डेटा है। ओके, ये जो प्लेट है वो रजिस्टर है और जो अंदर रखा हुआ है सैलेड उसको हम बोलेंगे डेटा। ओके, तो ये प्लेट वन है और अब हमें ये प्लेट को कोई एड्रेस देना है। जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट प्लेट, तो फर्स्ट प्लेट या प्लेट वन ये क्या हो गया? एड्रेस हो गया। या सेकंड प्लेट ये क्या हो गया? एड्रेस हो गया। लेकिन ये हमें समझ में आता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर तो डिजिटल डिवाइस है, उसे तो फर्स्ट सेकंड प्लेट PLAT ये कुछ समझ में नहीं आता है। इट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। तो उसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसे हम कैसे एड्रेस देंगे? जैसे फर्स्ट प्लेट, प्लेट वन हमारे लेमैन के लिए वो एड्रेस हो गया, तो ये कैसे एड्रेस देगा? डिजिटल में एड्रेस ऑफ प्लेट वन हो जाएगा सपोज 00, फिर एड्रेस ऑफ प्लेट टू हो जाएगा 01, फिर हो जाएगा 10, और फिर फोर्थ प्लेट का एड्रेस हो गया 11। क्योंकि अगर हमें चार प्लेट को एड्रेस करना है और हमारे पास 2 bits है, तो हमें कितना 2 bits से हमारा सारा कॉम्बिनेशन हो जाता है। और अगर हमारे पास 8 plates होती तो हम लोग 3 bits यूज करते, फिर हम लोग एड्रेस करते 00001010011100, इस तरह से एड्रेस देते और 8 plates को। तो बेस्ड ऑन कितना रजिस्टर्स है, कितना प्लेट्स है, हमें ये बिट्स डिसाइड करता है कि कितने बिट्स से हम उसे एड्रेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से होता है ये लेमैन के लिए। अभी आप समझ लो, अब ये प्लेट्स की जगह आ गए रजिस्टर्स, ये मेमोरी है। मेमोरी सपोज कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 registers, तो ये हो गया रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 एंड रजिस्टर 4। एक रजिस्टर में हम स्टोर कर सकते हैं 8 bits, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 8 zeros and 1s। तो ये रजिस्टर 1 का एड्रेस हो गया 00, रजिस्टर 2 का एड्रेस हो गया 01। तो ये जो है ये है एड्रेस, और जो रजिस्टर के अंदर स्टोर किया है वो है डेटा। जैसे ये प्लेट का ये जो 00 था, ये इस प्लेट का एड्रेस था, ये प्लेट यानी रजिस्टर, ये 00 था इस प्लेट का एड्रेस, और जो अंदर सैलेड रखा है वो क्या है? डेटा। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस एंड डेटा। तो ये बस स्ट्रक्चर क्या होता है? अब किसी भी माइक्रो कंप्यूटर में या बड़ा सा प्रोसेसर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम भी लो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, उसको हमें मेमोरी कनेक्ट करते हैं, और फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। और ये तीनों चीजें किस चीज से कनेक्टेड होती है? वो कनेक्टेड होती है बस से। बस क्या है? बस इज अ पाथवे फॉर डिजिटल सिग्नल टू रैपिडली मूव डेटा। क्या है ये? कनेक्शन है ये सारे डिवाइसेस के बीच का। ये डिवाइसेस किस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मेमोरी इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है। आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर है।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हमें कनेक्ट करना है, हम क्या यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए, हम लोग यूज करेंगे वायर्स। तो बस क्या है, वायर है। और आपने अगर कंप्यूटर के अंदर देखा होगा तो इस तरह का एक रिबन होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इसमें बहुत सारी छोटी 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 वायर्स कनेक्ट की हुई है। तो इसे क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। बस क्या होता है, बस किस लिए, नॉर्मल हमारा जो बस होता है वो हमें कैरी करता है ना एक प्लेस से दूसरी जगह। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में बस क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, डेटा को कैरी करेगा। तो जो वायर्स डेटा को कैरी करती है उसे बोलेंगे डेटा बस, जो वायर एड्रेस को कैरी करती है उसे बोलेंगे एड्रेस बस, और जो वायर्स कंट्रोल सिग्नल्स कैरी करती है उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल बस। और ये जो तीनों है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दीज आर कनेक्टेड बाय कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। सो व्हाट इज बस, बस इज द पाथवे फॉर डिजिटल सिग्नल्स टू रैपिडली मूव डेटा। तो वायर से क्या फ्लो होने वाला है, लॉजिक जीरो फ्लो होगा या लॉजिक वन फ्लो होगा। लॉजिक जीरो मीन्स जीरो वोल्ट फ्लो होगा, वायर में तो वन नहीं फ्लो हो सकता है ना, तो जीरो मीन्स जीरो वोल्ट, और लॉजिक वन फ्लो होता है मतलब वो वायर में से कितना वोल्ट जाता है, 5 वोल्ट जाता है। ओके, बस इज यूज टू कैरी डेटा एंड एड्रेस। यस, ऑब्वियसली जो वायर्स डेटा कैरी करती है उसे डेटा बस बोलते हैं, और जो वायर्स एड्रेस कैरी करती है उसे एड्रेस बस बोलते हैं। सो व्हाट इज बस, इन शॉर्ट बस इज अ बंडल ऑफ वायर्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन। यू कैन सी दिस इज बंडल ऑफ वायर्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन। नाउ हाउ डज माइक्रोप्रोसेसर वर्क, माइक्रोप्रोसेसर काम कैसे करता है? तो माइक्रोप्रोसेसर फॉलोज सीक्वेंस, फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट। द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। जब भी हम किसी भी प्रोसेसर के लिए जब हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, C++ हो, असेंबली लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, तो वो जो प्रोग्राम होता है वो कभी भी प्रोसेसर में स्टोर नहीं होता है, वो प्रोग्राम हमेशा मेमोरी में स्टोर करता है। और आपने पहले ही देखा है कि मेमोरी हम लोग हमेशा एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। ये देखो, मेमोरी इज कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द प्रोसेसर, दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो मेमोरी है, सपोज ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ये जो है ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें एक्यूमुलेटर है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, और ये रजिस्टर्स है BCDEHL, और इसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया गया है ये मेमोरी। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ रजिस्टर, एक के ऊपर एक, जैसे प्लेट्स रखी हुई है वैसे ही एक के ऊपर एक होते हैं रजिस्टर्स। तो इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो जो इंस्ट्रक्शंस या जो प्रोग्राम हम प्रोसेसर के लिए लिखते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन एग्जीक्यूट कौन करता है, प्रोसेस कौन करता है, वो करना है प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर कैसे करेगा, सबसे पहले ये अगर इंस्ट्रक्शन कोड है, एज आई सेड माइक्रो प्रोसेसर इज डिजिटल डिवाइस, तो उसका हर एक इंस्ट्रक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ वन एंड जीरोस। तो ये अगर इंस्ट्रक्शन है कोई भी 1010111, ये कोई एक इंस्ट्रक्शन है जो मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन अगर ये प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना है तो क्या करेगा, सबसे पहले तो उसे लाना पड़ेगा मेमोरी से, है ना। तो इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, द माइक्रो प्रोसेसर फेचेस दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, फेचेस यानी लाता है। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ये जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर की हुई है वो लेके आएगा डेटा बस से। ओके, एंड देन इट डिकोड्स इट एंड एग्जीक्यूट्स दोज इंस्ट्रक्शन। ये जो है इंस्ट्रक्शन वो आएगी प्रोसेसर में, प्रोसेसर आने के बाद वो जाएगी सबसे पहले इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर विल डिकोड दैट इंस्ट्रक्शन। डिकोड मतलब इट विल फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सीक्वेंस, ये 10111111 क्या है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर डिकोडिंग के बाद उसे समझ में आएगा ओके नाउ आई एम सपोज टू डू एडिशन, और फिर वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा फॉर ऑल अदर ब्लॉक्स, और फिर वो एडिशन परफॉर्म होगा या एनी अदर ऑपरेशन बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन। सो व्हाट हैपेंस, द माइक्रो प्रोसेसर फॉलो सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, फेच,
फेच यानी इंस्ट्रक्शन फेच, यानी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेके आना, उसको क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फेच. देन इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन डिकोड मीन्स इंस्ट्रक्शन डिकोडर विल डिकोड द इंस्ट्रक्शन. डिकोडिंग, डिकोड करना मीन्स इट विल फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन. एंड देन एग्जीक्यूट, यानी उसके बाद क्या करना है, एग्जीक्यूट भी तो करना है. अगर इंस्ट्रक्शन बोलती है कि हाँ ये दो नंबर को अभी एड करना है तो उसे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, एक्चुअली उन दो नंबर्स को एड करना है. तो इट परफॉर्म्स एग्जीक्यूशन ऑपरेशन. सो दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज हाउ माइक्रो प्रोसेसर वर्क्स, फेचिंग द इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो कैसे होता है, सपोज ये कोई एक इंस्ट्रक्शन है, ये डेटा है मेमोरी के लिए, ये यहाँ पे स्टोर है. सपोज इसका एड्रेस, इसका एड्रेस है 2005. एड्रेस क्या है, हमने पहले वाले स्लाइड्स में देखा है. तो सपोज इसका एड्रेस है 2005, तो प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहले एड्रेस बस पे इसका एड्रेस भेजेगा. 2005 जाएगा एड्रेस बस पे, और जैसे ही ये एड्रेस बस पे एड्रेस जाता है, ये डेटा क्या होगा, डेटा बस पे फ्लो होके माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आएगा. दिस इज हाउ डेटा विल फ्लो और इंस्ट्रक्शन विल फ्लो एंड विल एंटर इनटू इंस्ट्रक्शन डिकोडर. Now instruction decoder will decode this instruction, it will find out the meaning of instruction and will execute the instruction and will generate necessary control signal for execution. So this is how microprocessor works. I hope you understood the concept. If you have any questions, you can ask in the comment sections. Thanks.